हेलो फ्रेंड्स, आज ये कार्डिगन के लिए और हाफ स्वेटर के लिए लेस वाली डिज़ाइन, इसमें जालियाँ हैं ला रही हूँ। जो हाफ स्वेटर में भी उतना ही सोवर लगता है जितना लेडीज़ कार्डिगन में लगता है। और ये देखिए, ये वाइट कलर है, मुझे आपको क्लियर दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर लगता है बनके। आप इसे पूरे में भी डाल सकते हैं, पोर्शंस में भी करके डाल सकते हैं, ये ऐसा दिखता है। ये मैंने वाइट कलर में डाला था, अब मैं ये डार्क कलर में डाल के देखते हैं कि डार्क कलर में ये कैसा बनता है। चलिए बनाते हैं। और ये मैंने इसके पैटर्न को बनाने के लिए 23 फंदे डाल के एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी बुन ली है। उसके बाद मैंने पहली सिलाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट जो फंदा है, स्टिच है, वो हम इसे वो जो एज स्टिच होती है वो है, तो इसको हम उतार लेंगे। एक फंदा उतार लिया, एक सीधा, एक उल्टा, फिर ऊन पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, और फिर यहाँ पे हमें ये वाली चीज़ बनानी है, ये वाली चीज़ जो है बनानी है। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो फंदे हैं ये छोटी सी सीधी बने। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने एक फंदा उतारा, एक सीधा, एक उल्टा, दो फंदे सीधे, अब हम इसको ऐसे बुनेंगे, ये दो फंदे एक साथ बुनेंगे, ये दो फंदे एक साथ ऐसे बुनेंगे। तो इसमें ये देखिए, ये चोटी का मुंह ऐसे दिखाई देगा, दो फंदे सीधे, फिर ऊन को आगे करेंगे और फिर दो का एक बिनेंगे। ऊन आगे, दो का एक, ऊन आगे का मतलब एक फंदा हमने बढ़ाया। ये जो हम दो का एक कर रहे हैं तो ये घटेगा, तो एक बढ़ाना भी चाहिए। बार बार नीचे वाला फंदा आ जा रहा है। ऊन आगे, और ये ऐसे दो का एक सीधा बुनेंगे, फिर ऊन दो सीधे, एक दो, दो सीधा, एक उल्टा, फिर दो सीधे, एक उल्टा बनाया, उसके बाद ये दो सीधा, फिर अब यहाँ पे जैसे हमने पहले फंदा पलटा था वैसे ये ऐसे दो का एक, फिर ऊन आगे करेंगे और ये दो का एक बनेंगे। ऊन आगे करके ये ऊन आगे किया और ये ऊन ऐसे सीधा फंदा दो का एक सीधा बुन लेंगे, ये ऐसे एक फंदा छूट गया। दो का एक, फिर दो सीधा, एक दो, ऊन आगे, एक उल्टा, और इसके बाद ये एक लास्ट वाला, और ये दो लास्ट में दो सीधे। अब उल्टी सिलाई में देखिए, ये डिज़ाइन देखिए सीधी तरफ से ऐसे दिखती है और उल्टी तरफ से ये ऐसे दिखाई देती है। अब उल्टी तरफ हमें क्या करना है
जो हमने यहाँ पे ऊन आगे किया था, जाली बनाई थी, वहाँ तक तो हमें जो फंदे जैसे दिख रहे हैं, जैसे ये फंदा हमें उल्टा दिख रहा है, तो हम एज इट इज इसे उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ये दो उल्टे, फिर ऊन पीछे करेंगे, यहाँ पे एक सीधा दिख रहा है, तो एक सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, उल्टा दिख रहे हैं, एक दो तीन। अब ये इसमें करना क्या है, ये जाली वाला फंदा आ गया है जहाँ पे हमने जाली बनाई थी। इसके लिए अब हमें क्या करना है, इसमें इस एक फंदे जाली वाले फंदे में हमें दो फंदे बुनने हैं। पहले ऊन ऐसे उल्टा ही बुनना है, दो फंदे, ये एक ऐसे बुन लिए। अब ये जो इसके जाली का, ये देखिए पीछे वाला हिस्सा है, ये जाली का जो पीछे वाला हिस्सा ये आपको दिख रहा होगा जहाँ मैंने सिलाई लगा रखी है दूसरी वाली, इसको ऐसे करके पीछे से, मतलब ये उसी एक फंदे में दो फंदे उल्टे हमें बिनने हैं। ये ऐसे देखिए, एक में दो बन गए, ये जो जाली वाला फंदा है। फिर उसके बाद जो जैसे दिख रहे हैं, उल्टा दिख रहा है तो उल्टा, सीधा दिख रहा है तो सीधा, ये उल्टा दिख रहा है, उल्टा और उल्टा, ये फिर जाली वाला फंदा आया। आप एक बार फिर देखें, ये एक पहला तो जैसे नॉर्मल उल्टा बुनते हैं ऐसे उल्टा बुना, अब इस फंदे को हम गिराएंगे नहीं, इसी में पीछे से ये पहले ऐसे कर लेंगे ऐसे, और फिर इधर से ऐसे सिलाई। फिर देखिए एक बार और देख लीजिए, एक फंदा हमने बिन लिया उल्टा, लेकिन इस वाले फंदे को हम गिराएंगे नहीं, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे करके और ये पीछे से ये ऐसे उसी में उल्टा दूसरा बिन देंगे, तो जाली वाले में एक का दो बन जाएगा। उसके बाद फिर जो फंदा जैसा है, उल्टा दिख रहा है तो उल्टा और सीधा दिख रहा है तो सीधा। अब यहाँ पे एक फंदा सीधा है तो एक फंदा सीधा और ऊन आगे करेंगे, ये दो फंदे उल्टे। ये हमारी सेकेंड रो थी। अब हम थर्ड रो में आ गए। थर्ड रो में हमें क्या करना है, ये फंदे तो देखिए जो पहला वाला है ये तो एज इट इज उतार लेंगे, उसके बाद का भी सीधा, ये पूरे डिज़ाइन तक चलेगा, और ये उल्टा, ये तीन फंदे तो हमारे लास्ट तक ऐसे ही चलेंगे, जो फेरबदल होगा वो इनमें होगा। एक उतार लिया, एक सीधा, एक उल्टा, उसके बाद फिर एक सीधा, फिर दो फंदे जैसे हमने पहले पलटे थे वैसे दो फंदे फिर पलटने हैं, ये ऐसे दो फंदे पलट लिए, फिर ऊन आगे करेंगे और ये दो फंदे सीधे, ऊन आगे करेंगे, एक ये दो सीधा, फिर ऊन आगे करेंगे और दो का एक सीधा, ऊन आगे और ये दो का एक सीधा, उसके बाद फिर एक सीधा, ऊन आगे, एक उल्टा, एक सीधा, फिर ऊन पीछे ही रहेगा और ये दो का एक करना है, दो का एक, ऊन आगे, ये बीच के दो फंदे जो हमने जाली वाले उधर दो में एक बनाए थे वो दो फंदे इधर सीधे, उधर दो एक उल्टा बिना गया था वही इधर दो सीधे हो जाएंगे, फिर ऊन आगे करेंगे और यहाँ पे फिर दो का एक, दो का एक, फिर इसके बाद ये एक सीधा, ऊन आगे, एक उल्टा और लास्ट के ये दो सीधे। और उल्टी सिलाई में जो फंदे जैसे दिख रहे हैं, बस जब आप शुरू करेंगे डिजाइन तो जो पहली जाली आपने डाली है उसमें जाली वाले फंदे में एक का दो बनाना है, बाकी सारी रोज में आपको जो जैसा दिख रहा है आपको वैसा ही बनाना है। देखिए थोड़ी थोड़ी डिजाइन शुरू होने लगी है। अब उल्टी सिलाई में हमें जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हमें वैसे बनाने हैं। ये देखिए हमारी चौथी सिलाई पूरी हो गई। अब हम पांचवी सिलाई, फिर सीधी तरफ हम आ गए
और अब सीधी तरफ हमें क्या करना है, ये पहले के जो तीन फंदे थे वो मैंने आपको बताया था कि हर बार एक जैसे ही रहेंगे, एक उतारा, एक सीधा, उन आगे, एक उल्टा और फिर उन पीछे करेंगे, और ये दो फंदे ये वाली चीज़ देखिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक ये जो छोटी सी बन रही है ये सीधी बनती रहे, और देखिए इधर इधर को जा रही है, इसका मुंह इस तरफ को है, इसका मुंह इस तरफ को है। तो अब यहाँ पे एक उल्टा हो गया, फिर उन पीछे हमने कर लिया, और दो फंदे जैसे हर बार हम दो का एक करते हैं वो हम दो का एक करेंगे, दो का एक कर लिया हमने, फिर हम ऊन आगे करेंगे, और ये देखिए ये अब हमारे ये बीच के एक दो तीन चार, ये चार फंदे सीधे हो जाएंगे, और ये जाली सी बन रही है, और ये ऊन आगे करेंगे तो इसी के ऊपर जाली बन जाएगी। तो एक दो तीन और ये चार, फिर यहाँ जाली है तो यहाँ ऊन आगे कर लेंगे, और फिर यहाँ पे दो का एक करेंगे, ये हमारी फिफ्थ रो है, दो का एक कर लिया, फिर दो का एक हो गया, फिर उसके बाद ये उल्टा दिख रहा है, दो का एक, फिर ऊन आगे, ये उल्टा, फिर दो फंदे यहाँ पे ऊन पीछे कर, ये वाले फंदे हमें फिर उल्टे के बाद हमें ये फिर पलटने, दो का एक करना है, पलट के दो का एक सीधा बुनना है, फिर ये यहाँ जाली है तो ऊन, यहाँ जाली है तो हमने ऊन आगे कर दिया, तो इसी के ऊपर फिर जाली बनेगी, एक दो तीन चार, ये बीच के चार फंदे सीधे, एक दो तीन, ये चार, फिर ऊन आगे, यहाँ भी दो का एक करेंगे, बीच में एक बार चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे फंदे 23 से हमने शुरू किए थे तो 23 हैं या नहीं। फिर उसके बाद देखिए ये उल्टा दिख रहा है, ये एक उल्टा और दो सीधा लास्ट में, और इधर एक उतारा, एक सीधा, एक उल्टा, ये तीन फंदे अंत तक एज इट इज ही चलेंगे। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी डिज़ाइन सही उस पर चल रही है कि नहीं। फिर बीच दो सीधे और उल्टी रो, ये हमारी फिफ्थ रो थी, और ये देखिए अब तो थोड़ा दिखने भी लग गया है, ये दिख रहा है। अब उल्टी रो जो जैसे फंदे दिखेंगे, जो सीधे हैं जो वो सीधे, जो उल्टे हैं वो उल्टे। ये देखिए हमारी, ये हमारी सातवीं सिलाई है। सातवीं सिलाई में हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहला फंदा हमने उतारा, दूसरा वाला सीधा, फिर ऊन आगे, एक उल्टा, अब इसके बाद हमें ऊन पीछे करना है, और हमें चार फंदे सीधे बिनने हैं, एक दो तीन और ये चार। अब आपको ये दिख रहा होगा, देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये इसमें ना दिख रहा हो तो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक दो तीन चार और पाँच, ये इस शेप में ऐसे वी शेप में दिख रहा है। अब हमें इन पांचों जालियों में से, हमने चार फंदे सीधे बिन लिए, अब हमें इन पांचों जालियों में से थोड़ा संभाल के स्टिच स्लिप ना कर जाए ऐसे सिलाई डालेंगे, और पीछे से ये ऊन इसमें ऐसे लपेट के, और ये एक फंदा खींच के निकाल लेंगे। हर जाली में से एक एक फंदा ऐसे निकाल के हमारे पास पांच फंदे हो जाएंगे। पहली जाली से निकाला एक फंदा, फिर नेक्स्ट जाली में हमने ऐसे सिलाई घुसाई और पीछे से ऐसे सिलाई पे फंदा लिया, और इसमें से ऐसे निकाला ये दूसरा फंदा, फिर ये यहाँ से ऐसे सिलाई घुसाई, पीछे से ये सिलाई पे फंदा लपेटा, ये तीसरा फंदा, और ये सिलाई घुसाई, पीछे से ऐसे फंदा लपेटा, और ये ऐसे निकाला चौथा फंदा, फिर ये सिलाई घुसाई और ये ऐसे किया, ये हमारा पांचवा फंदा। ये हमारे पास पांच फंदे
बन गए पांचों जालियों से निकाल के। इसे बहुत ढीला ना छोड़ें और बहुत मोटी सिलाई ना हो, नहीं तो ये जाली बहुत बड़ी बड़ी बन जाती है। फिर हमारे पांच जालियां बन गई, फिर उसके बाद फिर चार सीधे, एक दो तीन और ये चार। उसके बाद ऊन आगे करेंगे, यहाँ पे एक फंदा उल्टा है उसे हम उल्टा बिनेंगे, फिर ऊन पीछे, फिर यहाँ पे चार फंदे सीधे, एक दो तीन ये चार, और फिर उसी तरह से ये पांचों जालियों में से एक दो तीन चार पांच, जो हमारी पांच जालियाँ हैं इस वाली जगह पे फंदे थोड़ा सलचलाई संभाल के ये ऐसे सिलाई आगे से लिया, जाली के अंदर ऐसे घुसाया और ये हमारी सिलाई ये पीछे से निकल आई। अब जो ये वाला फंदा है इसे ऐसे ऊन लपेटा और आगे करके ये फंदा निकाल लेंगे, ये वाला फंदा। ये हमारे पास एक फंदा हो गया, एक फिर देखिए ये हमारी दूसरी जाली है, इसमें ऐसे घुसाया ये पीछे और फिर इस पीछे से ऐसे सिलाई में फंदा लपेटा और ये ऐसे दो, ये ऐसे तीन, फिर ऐसे सिलाई घुसाया ये पीछे से ऐसे फंदा चार और ये लास्ट पांच फंदे। पांचों जालियों में से एक हर जाली में से लूप निकाल के ऐसे हमारे पास पांच फंदे हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये फंदा, एक दो तीन ये चार, फिर उसके बाद वाला फंदा देखिए उल्टा है, एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे और ये दो फंदे सीधे। और अब ये वाली सिलाई पांचों जालियों में से हर जाली में से एक सिलाई एक एक फंद घुसा के सिलाई, हमने पांच फंदे बना लिए। अब हमें उल्टी तरफ क्या करना है, अब यहाँ पे जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा नहीं बनाना है, यहाँ पे क्या करना है देखिए, शुरू के तो जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं, बस ये जो पांच फंदे एक्स्ट्रा बने हैं उनका हमें क्या करना है हम ये देखते हैं। ये दो उल्टे, ऊन पीछे, एक सीधा, ऊन आगे, अब ये एक दो और ये तीन, ये तीन फंदे उल्टे। अब आप ये देखिए, एक फंदा ये और ये दो तीन चार पाँच और ये छः, मतलब पांच जालियों वाले और एक पहला वाला फंदा, कुल ये छः फंदे हमें, ये आपको दिख रहा होगा, कुल छः फंदे ऐसे ऊन लेके उल्टा बिनना है, एक साथ उल्टा बिनना है और ये उल्टा एक साथ बिन के हमारे पास पांच छः फंदों का ये हमने एक फंदा बना दिया। अब उसके बाद के फंदे फिर वही, एक दो तीन चार, ये मेरे पास चार फंदे उल्टे, यहाँ पे एक मिस हो गया मुझसे, पांच जालियों वाले फंदों को ये इसके बाद वाला ये फंदा मुझे सीधा बनाना है, फिर इसके चार उल्टे, एक दो तीन ये चार, ये वाली सिलाई, ये फंदा यहाँ मिस हो रहा है, मैं फिर से खोलती हूँ। ये देखिए, ये तो हमने पहला फंदा दो उल्टे एक सीधा, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, फंदा
ये देखिए थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजन हो गया था मुझे, इसका है देखिए एक दो दो उल्टे एक सीधा, एक दो तीन, तीन तीन उल्टे, फिर ये जो छह फंदे थे चार पांच जाली वाले और एक ये पांच का, पांचों को एक साथ उल्टा बिनेंगे, उसके बाद एक साथ उल्टा बिन दिए, उसके बाद फिर एक दो तीन चार, चार उल्टे एक सीधा, फिर एक दो तीन, फिर उसके बाद तीन उल्टे और फिर हम वहीं पे आ गए जो एक फंदा वो और पांच जाली वाले, कुल छह फंदे फिर हमें एक साथ बिनने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ, ये छः, ये देखिए छः फंदे हो गए। अब इन छः फंदों को हमें ऐसे ऊन लपेटेंगे और एक साथ ऐसे निकाल के एक उल्टा बिन लेना है, उसके बाद फिर से हमें चार उल्टे, एक दो तीन चार, चार उल्टे, फिर ऐसे ऊन पीछे एक सीधा और ये दो उल्टे। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक फंदा दो, दो फंदे उल्टे एक सीधा, एक दो तीन उल्टे, फिर छः फंदे को एक साथ उल्टा, फिर उसके बाद एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, फिर छः फंदे एक साथ उल्टे, फिर एक दो तीन चार उल्टे, फिर एक सीधा दो उल्टा। ये हमारी आठवीं सिलाई थी। अब हम नौवीं सिलाई में, हमारी एक डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गई। ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें शायद आपने ध्यान दिया होगा, एक बार ये इधर पर जाली, एक बार इधर आ रही है और एक बार इधर, ये ऐसे देखिए, एक बार इधर है ये ऐसे और एक बार ये इधर, और ये बीच में ये ऐसे एरो सा बनता जाएगा ये ऐसे। अब ये एक डिज़ाइन हमारी पूरी हो गई, अब हमें दूसरी डिज़ाइन डालनी है। इसके लिए हमारी नाइन्थ रो, नाइन्थ रो हमें कैसे करना है, पहला फंदा हम उतारेंगे, उसके बाद वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा, उसके बाद ऊन पीछे करके दो सीधे, फिर दो का एक सीधा, फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे ये दो का एक सीधा, फिर उन आगे करेंगे, फिर ये वे दो का एक सीधा, ये उन आगे दो का एक सीधा, फिर एक दो सीधा, फिर यहाँ पे देखिए ये उल्टा आ रहा है तो ये उल्टा, फिर उन पीछे एक दो सीधा, फिर यहाँ पे दो का एक सीधा, फिर ये दो का एक सीधा, दो का एक सीधा, फिर दो सीधा, दो सीधा, फिर ऊन आगे ये दो का एक, फिर ये उल्टा ऊन पीछे और लास्ट के ये दो सीधे। अब उल्टी तरफ हमें क्या करना है, उल्टी तरफ हमें जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं, बस जहाँ पे हमने ये जाली बनाई है उसमें जाली वाले फंदे में हमें एक आगे से, एक अपनी तरफ से और एक पीछे साइड से, एक फंदे में दो बनाना है और दोनों उल्टे बनाने हैं। बाकी जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाने हैं, जैसे हमने फर्स्ट सिलाई में उल्टी तरफ, सेकेंड सिलाई में बनाया था उसी तरह जाली वाले फंदे में एक का दो हमें बनाना है। अब ये हमारा नया डिज़ाइन शुरू हो रहा है। अब उसके बाद थर्ड रो जो हमने आपको बताई थी, थर्ड रो ये फर्स्ट हो गई, सेकंड ये आप बनाएंगे, थर्ड रो से आप फिर से शुरू करेंगे तो आपका ये दूसरा वाला पोर्शन बनेगा। ये फर्स्ट पोर्शन बनके तैयार हो गया। ये देख बनने में, जितना देखने में नहीं उतना बनने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप बनाएं, ट्राई करें
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी आप विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।